चाहे कितनी भी राजनीतिक उठापटक चलती रहे, चाहे किसी भी तरह के डिसीजंस आते रहें जो भले ही हमें अच्छे ना लगते हों, लेकिन एक बात ऐसी है जिसके लिए हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, आशावादी रह सकते हैं कि हिंदुस्तानी दिल से डेमोक्रेटिक होते हैं, प्रजातांत्रिक होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो कभी गैर लोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। इसी उम्मीद के साथ कि लोकतंत्र कायम रहे, लोकशाही कायम रहे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिटते हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुश आमदीद और वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। इच्छाओं की कोई कमी किसी को नहीं होती, इंसान इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, ये बातें हमने कई बार सुनी हैं। इन इच्छाओं को कई बार राजनीतिक कपड़ा पहनाने की कोशिश भी की जाती है, जिससे हो सकता है कि जो हम जैसे आम आदमी हो उनको तकलीफ होती हो, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ते, आशा नहीं छोड़ते और खुशियों को ढूंढते रहते हैं हर पल हर लम्हा। लेकिन उम्मीद में ये ना भूल जाएं कि सच क्या है, झूठ क्या है। लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी डिमांड है और उससे हम कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें ऋषिकेश मुखर्जी साहब या बासु चटर्जी साहब या बासु भट्टाचार्य, इनकी फिल्में इतनी पसंद क्यों आती थी 70s में या अर्ली 80s में खास करके? वो इसलिए कि एक तो कहानी बहुत अच्छी होती थी, हमारी जिंदगी की कहानी होती थी और जो एक्टर्स होते थे फिल्मों में वो बेहतरीन होते थे। और क्या आपको पता है कि इनमें से ज्यादातर एक्टर्स ट्रेन्ड एक्टर्स हुआ करते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ 7:11 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसा कहा जाता है कि आप एक्टर्स बना नहीं सकते, वो बॉर्न टैलेंट होते हैं, जन्म से ही उनमें एक्टिंग का कीड़ा होता है। ये बात सच है, मैं मानता हूं, लेकिन उनको पॉलिश किया जा सकता है, उन्हें फाइन ट्यून किया जा सकता है, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। इसी वजह से FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे एस्टैब्लिश किया गया था 60 के दशक में और क्या बेहतरीन कलाकार हमें वहां से मिले हैं। गुलजार साहब को देखें, ऋषिकेश मुखर्जी साहब को देखें, बासु चटर्जी साहब को देखें और भी कई फिल्म मेकर्स, उनके साथ क्या बेहतरीन काम किया इन एक्टर्स ने। फिर वो जया बच्चन जी हो, फिर वो डैनी हो, फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो। आने वाले दिनों में मैं FTII पुणे से निकले हुए एक्टर्स की बात करने वाला हूं। क्यों बात करने वाला हूं उनकी, इसके पीछे भी एक वजह है, लेकिन उनकी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को और उस कंट्रीब्यूशन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उस सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं दो बेहतरीन एक्टर्स की, जिनकी हम पता नहीं क्यों बहुत कम बात करते हैं। अक्सर हम उन्हें कॉमेडी करते हुए देखते हैं लेकिन उनका रेंज कमाल का है। असरानी और पेंटल साहब, कैसे भूल सकते हैं इस फिल्म में पेंटल। आधी फिल्म में तो बहुत ही खूबसूरत लड़की बने रहे और असरानी साहब सीरियस एक्टिंग करवा लीजिए, इमोशनल एक्टिंग करवा लीजिए, कॉमेडी करवा लीजिए, हर चीज में माहिर असरानी साहब। 8 से 9 बजे के बीच इन दोनों की बात होगी और मेरे साथ होंगे पेंटल साहब। कैसे पहुंच गए फिल्म इंस्टीट्यूट, क्या माहौल था, कौन कौन थे उनके बैचमेट्स, कैसे मिली उनको पहली फिल्म, आजकल क्या कर रहे हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे पेंटल साहब से। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिटते हिट रहेंगे। 7:28 हो चुके हैं और आज की तारीख 8 अप्रैल कुछ हुआ था जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। 1929 दिल्ली में सेंट्रल असेंबली चल रही थी और अचानक से ही दो लोग पहुंचते हैं, बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन बॉम्ब का इरादा किसी को घायल करना या मारना नहीं होता है। उसके बाद पर्चे बांटे जाते हैं। कहीं ना कहीं आजादी की जो लड़ाई चल रही थी उसकी शक्ल बदल कर रख दी थी इस घटना ने। आज के ही दिन 1929 में सरदार भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स थे, उन्होंने ये फैसला किया था। अंग्रेजों की तरफ से डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू किया गया था जिसमें पुलिस को खुली छूट दे दी गई थी कि बिना वारंट के जब भी जिसे चाहे वो पकड़ सकते हैं। लाला लाजपत राय जी की मौत हो चुकी थी और पूरा देश सकते में था। ऐसा कहा जाता है कि सरदार भगत सिंह क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे तो जैसे फ्रेंच चेंबर ऑफ डिप्यूटीज में बॉम्ब फेंका गया था उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये प्लान बनाया था, सिर्फ आवाज सुनाने के लिए अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों की बहरी सरकार आवाज सुनने को तैयार नहीं थी। बम फेंके गए और पर्चे फेंके गए, पर्चे इसलिए ताकि आवाज पहुंच सके अंग्रेज सरकार तक, और आवाज पहुंची। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बटुकेश्वर दत्त जी को आजीवन कारावास की सजा मिली, कालापानी, और सरदार भगत सिंह को सजाए मौत।
एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरत इस बात की है कि हम समझें कि सरदार भगत सिंह या उन जैसे लोगों का इंटेंशन क्या था. बम फेंकना इंटेंशन नहीं था, तरीका हो सकता है आवाज सुनाने के लिए, क्योंकि कभी भी किसी की हत्या करना नहीं चाहते थे वो लोग, सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे. तो आज एक बार फिर से याद करें उनकी सीख को, क्या बता गए हैं, क्योंकि आजादी हमें इतनी सस्ती नहीं समझनी चाहिए. बहुत मेहनत से, बहुत कीमत चुका कर ये आजादी हमें मिली है. 92.7 एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ. हर कलाकार की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है उनके करियर में. आर डी बर्मन साहब के करियर में ये एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन क्या टर्निंग पॉइंट था, मतलब इस ऐलान के साथ वो आए थे. ये फिल्म जब रिलीज हुई 1966 में, तीसरी मंजिल, उससे पहले लोगों ने इस तरह का संगीत नहीं सुना था. आशा भोसले जी ने भी नहीं सुना था, कहती हैं वो आज भी. मजरू साहब के बोल 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे. 7:40 हो चुके हैं और आर डी बर्मन साहब के संगीत के, उनके स्टाइल के म्यूजिक की हमें आदत पड़ चुकी है. और भी कई आदतें हैं हमारी जिंदगी में, जैसे जब भी सुबह सुबह उठते हैं तो कुछ आदतें हैं जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं, ऐसा कह सकते हैं. फैमिली दर फैमिली वो आदतें हमें दिखाई देती हैं, मतलब सुबह उठने के साथ रूटीन के साथ कुछ चीजें जुड़ जाती हैं. आजकल हम ज्यादातर या तो प्लास्टिक में दूध खरीदते हैं या टेट्रा पैक खरीद लेते हैं, लेकिन एक आदत वो भी तो थी जब हम बॉटल्ड मिल्क खरीदा करते थे. अभी भी कुछ लोग बॉटल्ड मिल्क खरीदते हैं, हालांकि तादाद काफी कम होती जा रही है. दूध बेचने का ये तरीका, इसने एक तरीके से रेवोल्यूशन पैदा कर दिया था सोसाइटी में, क्योंकि इससे पहले लोग डेयरी फार्म में जाते थे और वहां पर जग ले जाते थे, बाल्टी ले जाते थे, बकेट ले जाते थे, छोटा कंटेनर ले जाते थे और वहां पर दूध मिला करता था, दूध खरीदा करते थे वो. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में आज के ही दिन यानी कि 8 अप्रैल को 1879 में न्यूयॉर्क सिटी में इको फार्म्स डेयरी ने ये सिस्टम शुरू किया, बॉटल में दूध बेचने का. काफी हाइजीनिक तरीका माना गया और इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये तरीका बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मुंबई. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आज की तारीख के हिसाब से. और कहीं ना कहीं पैकेज्ड मिल्क जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत आज के ही दिन 8 अप्रैल 1879 को हो गई थी. तो आज अगर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो याद कर लें कि हम सालगिरह मना रहे हैं पैकेज्ड मिल्क की. 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग. और आज से एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, सीरीज ये कि FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, जहाँ से कई बेहतरीन आर्टिस्ट निकले हैं, तो इस पूरे हफ्ते उन आर्टिस्ट की बात करने वाला हूँ. एक खास वजह है ऐसा करने की, क्या वजह है वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में. और आज बात करने वाला हूँ दो बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स की. यूजुअली हम उन्हें कॉमिक रोल्स में देखते हैं, लेकिन जब जब उन्होंने सीरियस रोल भी किया, इमोशनल रोल भी किया, कमाल किया. असरानी साहब और पेंटल साहब. और थोड़ी देर में पेंटल साहब मेरे साथ होने वाले हैं, बताने वाले हैं अपने इंस्टीट्यूट के दिनों की कहानियां, कौन कौन बैचमेट्स हुआ करते थे, असरानी के साथ कैसे रिश्ते थे उनके कैंपस में, कैसे फिल्में मिलनी शुरू हुई, कैसे करियर बना, ये सारी बातें पेंटल साहब से करने वाला हूं. और एक सवाल भी पूछूंगा कि असरानी साहब को, जैसा मैंने कहा, यूजुअली हम कॉमिक रोल्स में याद करते हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसमें उनके कैरेक्टर में नेगेटिव शेड्स थे, विलन थे उस फिल्म में, ऐसा कहा जा सकता है. कॉमिक विलन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हंसी मस्खरी करने वाला विलन नहीं, बाकायदा बहुत ही ज्यादा सीरियस रोल. किस फिल्म की बात कर रहा हूं? बहुत ही बेहतरीन फिल्म, मेरे बहुत ही पसंदीदा डायरेक्टर की फिल्म. 3997 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सही जवाब मैसेज कर दें. और बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स, गर्मी बढ़ गई है थोड़ी सी, तो वो आपके नाम. 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ. इस वक्त देश दुनिया हमारे शहर में कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं, ये बता देता हूँ. 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में. महाराष्ट्र के कल्चर मिनिस्टर, संस्कृति मंत्री श्री विनोद तावड़े जी ने कल विधानसभा में ऐलान किया कि जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं महाराष्ट्र में, ये अब कंपलसरी कर दिया जाएगा कि 6 बजे शाम से 9 बजे शाम तक वो मराठी फिल्म एक न एक हॉल में, एक न एक स्क्रीन पर जरूर दिखाएं.
मराठी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि कई बार उन्हें स्क्रीन नहीं मिल पाती थी। लेकिन क्या सिर्फ यही निर्देश काफी है या और भी कुछ करना पड़ेगा? जो छोटे डायरेक्टर्स होते हैं, जो मीनिंगफुल सिनेमा बनाते हैं, उनके रिलीज में बहुत ज्यादा समस्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा समस्या होती है। क्या उनको कोई टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मदद करने वाली है महाराष्ट्र सरकार? क्या फिल्म बनाने के लिए फंडिंग में मदद करने वाली है महाराष्ट्र सरकार? इस बारे में संस्कृति मंत्री ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। एक अच्छा कदम है, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ ये कदम काफी नहीं है मराठी सिनेमा को, अच्छे मराठी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए और भी कुछ किया जाना चाहिए। और इधर जहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर जो पैनल बना है, जो रिव्यू कर रहा है डेवलपमेंट प्लान जो 2034 के लिए मुंबई के लिए पेश किया है बीएमसी ने, कि अगर वो खारिज कर देते हैं इस प्लान को तो महाराष्ट्र भी इस प्लान को खारिज कर देगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वहीं दूसरी तरफ जो प्लानर्स हैं उन्होंने कई गलतियां आइडेंटिफाई की हैं इस डेवलपमेंट प्लान में। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं, मतलब कि जगह कुछ और है, उसे प्लान में कुछ और बताया गया है। बहुत ही फनी भी है और बहुत ही सीरियस भी है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, उसको म्यूजियम की जगह एक मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर दिखाया गया है इस प्लान में। उसी तरीके से जहांगीर एड गैलरी को एक वेटनरी हॉस्पिटल यानी कि जानवरों का अस्पताल दिखाया गया है इस डेवलपमेंट प्लान में। और प्लानर्स का कहना है कि यह गलती इसलिए हुई है क्योंकि थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखाई है जिन्होंने भी ये प्लान बनाया है। उन्होंने सैटेलाइट मैप्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, ज्यादा तवज्जो दिया है और खुद से उसको एक बार रीचेक करने की जहमत नहीं उठाई है। क्या हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं मुंबई में? सोचने वाली बात है। अभी तो बेसिक लेवल पर ही गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। हंसी भी आती है और डर भी लगता है। और एक बार फिर से बधाई देने की जरूरत, ज्यादा इंडियन नेशनल्स को सही सलामत यमन से ले आया गया है। और अब 26 कंट्रीज ऐसी हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो इंडिया की मदद चाहती हैं वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए, अपने अपने रेसिडेंट्स को, सिटीजंस को वहां से निकालने के लिए। बहुत ही बेहतरीन काम किया है उन्होंने। और आज बात फिल्म इंस्टीट्यूट के पास आउट दो बेहतरीन कलाकारों की, असानी साहब और पेंटल साहब। राजेश खन्ना साहब और असानी जी की जोड़ी कमाल कर रही थी 70s में। कई फिल्में साथ में की, जैसे कि ये फिल्म नमक हराम, और ऋषिकेश मुखर्जी साहब के तो फेवरेट थे असानी साहब, ज्यादातर फिल्मों में नजर आते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट ते हिट रहेंगे। 8:16 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ बेहतरीन कलाकार होते हैं, हम उनकी कम बात किया करते हैं। और इस पूरे हफ्ते बात करने वाला हूं फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के पास आउट एक्टर्स की। कमाल के एक्टर्स निकले हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे ही दो कलाकारों की आज बात करने वाला हूं, पेंटल साहब और असरानी जी की बात। असरानी जी की बात करूं तो जन्म उनका जयपुर में हुआ, उसके बाद साहित्यकाल भाई ठक्कर से उन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू किया। 1960 से 62 तक एक्टिंग सीखते रहे, उसके बाद वो मुंबई आए। ऐसे ही आ गए मुंबई, किसी तरीके से उनकी मुलाकात हो गई ऋषिकेश मुखर्जी साहब और किशोर साहू साहब से, जो समय के जाने माने फिल्म मेकर हुआ करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने असरानी जी को यह सजेशन दिया कि तुम एक्टिंग सीखो पहले। उस समय नया नया फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में खुला ही था, तो असरानी साहब वहां पर एक्टिंग सीखने चले गए। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने एक वादा जरूर किया था कि एक बार एक्टिंग सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें जरूर काम दूंगा। और काम दिया ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने जब वो गुड्डी बना रहे थे, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रगलिंग एक्टर की ही भूमिका में नजर आए थे असरानी साहब, लेकिन वो फिल्म उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने कई फिल्मों में असरानी साहब को लिया। अभिमान याद करें, क्या बेहतरीन रोल, उसके अलावा नमक हराम में लिया। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के एसोसिएट हुआ करते थे गुलजार साहब, और गुलजार साहब ने भी असरानी को कई फिल्मों में बहुत अहम किरदार दिए, फिर वो परिचय हो या खुशबू। और यह दिखा दिया असरानी साहब ने कि सिर्फ कॉमेडी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, वो रेंज काफी ज्यादा है। और ये मेरा आज का सवाल भी है कि एक फिल्म याद करें, बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसमें असरानी साहब एज अ विलेन नजर आते हैं, बहुत ही डार्क कैरेक्टर है उनका, फिल्म का नाम बताएं, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 3992797 यानी 3992797 हमारा नंबर है, आप कॉल करके बता भी सकते हैं। और बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम। थोड़ी देर में पेंटल साहब जुड़ने वाले हैं,
बात करने वाले हैं अपने फिल्म इंस्टीट्यूट के दिनों में और कैसे रिश्ते हुआ करते थे असरानी साहब के साथ उनके 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे बेहतरीन कलाकार असरानी साहब और एक तरीके से कहा जा सकता है कि असरानी साहब की एक्टिंग और ज्यादा फाइन ट्यून होकर पॉलिश होकर निकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जहां पर वो एक्टिंग का कोर्स करने गए थे साथ ही ये कोर्स करने गए थे पेंटल साहब आज मैं उन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं और अभी पेंटल साहब मेरे साथ हैं पेंटल साहब अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने फिल्म इंस्टीट्यूट जाने का फैसला किया तो वो फैसला कैसे किया कैसे पता चला आपको इस कोर्स के बारे में दिस वॉज बेसिकली मैं दिल्ली में था जब हर बच्चा एक ऐसे मकाम पे पहुंचता है कि जहां उसे डिसाइड करना पड़ता है कि अब नाउ व्हाट व्हेन यू आर डूइंग योर हायर सेकेंडरी और कॉलेज देन यू वांट टू डू कि अब मैं आगे क्या करूं तो उस वक्त उस मकाम पे मेरे फादर ने मुझे बड़ी हेल्प की थी बिकॉज बचपन से मैं प्लेज वगैरह में बड़ा इंटरेस्टेड था स्टेज पे कुछ ना कुछ करता रहता था तो देन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि If you want to take it as a serious career, तो आप FTII join करो उन दिनों नया नया खुला था एंड उस वक्त इसका नाम FII था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बाद में एड हुआ जब टेलीविजन का दौर शुरू हुआ तो पेंटल साहब जब पहुंच गए आप कैंपस में तब कैसा माहौल था इट वॉज डिवाइन आई मस्ट टेल यू कि इतना खूबसूरत और इतना एक पीसफुल एटमोसफेयर था कि वाकई वहां पढ़ने में और सीखने में बहुत अच्छा लगा इट वॉज डिवाइन आई मीन ना मेरे पास शायद वो शब्द नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि वहां हाउ द फील वॉज हाउ यू नो एक वो जो गुरुकुल की एक जो एक फील थी वो वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स असरानी साहब के साथ रिश्ते कैसे थे पेंटल साहब के जानेंगे आपसे थोड़ी देर में रफू चक्कर का भी एक्सपीरियंस जानेंगे आपसे थोड़ी देर में पेंटल साहब बने रहेंगे हमारे साथ 92.7 बिग एफएम पर और असरानी साहब की बात हो रही है तो एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि यूजुअली हम उनको कॉमिक रोल्स में देखते हैं कॉमेडी करते हुए देखते हैं लेकिन एक फिल्म जिसमें वो विलन बने थे बहुत ही डार्क शेड्स मेरे बहुत ही पसंदीदा फिल्म मेकर की फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म उस फिल्म का नाम याद करके बताएं 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है 3997939279279279 हमारा फोन नंबर है आप कॉल करके बता भी सकते हैं बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम और उससे पहले एक और बहुत ही बेहतरीन फिल्म असरानी साहब का कमाल का काम छोटी सी बात एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल रोल है पेंटल साहब का इस फिल्म में साथ में ऋषि कपूर साहब भी और आधी फिल्म में तो बहुत खूबसूरत लड़कियों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं लेट मी टेल यू मुझे ये दोनों नीतू सिंह से ज्यादा खूबसूरत लगे थे इस फिल्म में बेहतरीन कलाकारी पेंटल साहब की इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी का संगीत गुलशन बावरा जी के बोल रफू चक्कर से सुना आपने गाना 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे धार्त के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिटते हिट रहेंगे 8:45 हो चुके हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग ये कहा जाता है कि एक्टर्स आर बॉर्न लाइक एक्टर्स लेकिन फाइन ट्यूनिंग के लिए एक्टिंग में पॉलिश करने के लिए और ज्यादा निखारने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत तो होती है और ऐसी ही ट्रेनिंग मिलती है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में कई बेहतरीन आर्टिस्ट वहां से निकल कर आए हैं इस पूरे हफ्ते उन्हीं की बात करने वाला हूं और आज बात कर रहा हूं असरानी साहब और पेंटल साहब की और अभी हमारे साथ पेंटल साहब हैं खासतौर पे 92.7 बिग एफएम पर सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका और जब आप पहुंच गए इंस्टीट्यूट तो वहां पढ़ाई लिखाई का तरीका क्या हुआ करता था तरीका तो वही था बेटा रेगुलर क्लासेस थी हमारे प्रोफेसर तनेजा साहब वो क्लासेस लेते थे फिर हमारे एक वॉइस एंड स्पीच के टीचर थे शंभुनाथ जी फिर असरानी साहब मुझे पढ़ाते थे वहां उन दिनों क्लासेस लिया करते थे असरानी साहब तो उनसे बहुत सीखा बहुत कुछ सीखी वो टीचर थे आपके मतलब सीनियर रहे होंगे डेफिनेटली तो असरानी साहब के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी थी असरानी साहब के साथ किससे तो बहुत हुए यारी दोस्ती में जैसे जब हम एक्टर बन गए इन पुणे में ये था कि ही वाज क्वाइट अ स्ट्रिक्ट टीचर उनके एटीट्यूड से उनकी शक्ल से लगता था कि नो नॉनसेंस हाँ मेरे करीब आने की और मेरे दोस्त बनने की कोशिश मत करना जैसे वो जेलर बने थे ना हम अंग्रेजों के जमाने के वैसे कुछ लगते थे यही था कि सिखाया बहुत उन्होंने मुझे याद है हमारी इम्प्रोवाइजेशन लेते थे आई क्लियरली रिमेम्बर कि मुझे रोना नहीं आता था तो उन्होंने फिर एक दिन मुझे एक सिचुएशन दी हमारे साथ हमारी क्लास फेलो थी शोभना शीशा जो बाद में दो गज जमीन के नीचे जैसी फिल्म में भी हीरोइन आई थी उनके साथ मेरी एक इम्प्रोवाइजेशन कराई तो इम्प्रोवाइजेशन के इन बिटवीन उन्होंने शोभना को कुछ ऐसा कह दिया था तो अचानक आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सडनली बिकेम अवेयर ऑफ द स्विच इनसाइड यू नो दैट
आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू अस्तानी साहब जिन्होंने मुझे अवेयरनेस दिलवाई एंड बहुत कुछ सिखाया उन्होंने. एंड आई एम श्योर कि ये केमिस्ट्री आप दोनों की फिल्मों में भी दिखाई देती है. कितनी ही फिल्में मैं याद करूं जिसमें आप दोनों साथ में आए हों. मेरे अपने रोटी एंड ऑफ कोर्स चला मुरारी हीरो बनने जो अस्तानी साहब की फिल्म थी. बावर्ची से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मजेदार किस्सा पिंटल साहब बताएंगे आपसे थोड़ी देर में. अस्तानी साहब के ऊपर एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि किस फिल्म में वो एज अ विलेन नजर आते हैं बहुत ही डार्क कैरेक्टर में. सही जवाब गुलजार साहब की कोशिश. और सबसे पहले सही जवाब दिया है वेंकटेश हेगड़े साहब ने मुलुंद वेस्ट से. तो बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपको बहुत बहुत मुबारक. अ वेरी गुड मॉर्निंग. और आज बात कर रहा हूँ फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से निकले हुए दो बेहतरीन एक्टर्स की, असरानी साहब और पेंटल साहब. और पेंटल साहब अभी इस वक्त मेरे साथ खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर मौजूद हैं. सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर. और बावर्ची से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा बता रहे थे आप. उसमें मेरा एक गाना था जिसमें मुझे लिप मूवमेंट देनी थी और उसमें कथक के बोल थे. और जिस वक्त ये रात को रिकॉर्ड हो रहा था तो ऋषिता थे और असरानी साहब थे. तो असरानी साहब के मुंह से निकल गया कि मरा पिटा मेरे लिए, कि मतलब इतने बोल ये नहीं कर पाएगा ये पिटा. अदा ने कहा कि नहीं 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 करेगा, पेंटल अच्छा एक्टर है करेगा. दोनों में आपस में शर्त लग गई, दादा में और असरानी साहब में. तो मुझे रात को टेप आया, टेप पे गाना आया और साथ में ये मैसेज आया कि शर्त लगी है दादा की और असरानी साहब की, तो ये जो तोड़े हैं सारे तोड़े ये एक ही शॉट में लेंगे और फ्रंट शॉट होगा, तो आप अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. सारी रात बैठ के मैंने मेहनत की, समझा अब. और अगले दिन दादा ने वही उसी तरह एक पहला शॉट लगाया लंबा मेरा, जिसमें सारे तोड़े थे विद एक्शन एंड एवरीथिंग. एंड बिलीव मी पहला टेक ओके हो गया विद ऑल द तोड़ाज एंड एक्शन एंड एवरीथिंग. तो थैंक यू वेरी मच पेंटल साहब इतनी मजेदार बातें बताने के लिए हमें. और अगर कॉमिक टाइमिंग की बात की जाए तो एक इंसान ऐसे है जिनकी टाइमिंग और कॉमिक टाइमिंग दोनों कमाल की है, नारद मुनि. तो चुलबुले नारद की नटखट लीलाएं आप देख सकते हैं नारायण नारायण में. कॉमेडी की बात हुई है तो एक छप्पड़पार कॉमेडी वो भी है, हर शाम 8 बजे से सिर्फ और सिर्फ बिग मैजिक पर. इस वक्त कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं ये बता देता हूँ. 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में. अब एक नेशनल इमरजेंसी नंबर हुआ करेगा सिर्फ एक, जैसे कि यूएस में होता है 911, यूके में होता है 999, वैसे ही हिंदुस्तान में शायद ये नंबर 112 हो. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने सरकार को ये रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी अलग अलग इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, जैसे पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 102, फायर के लिए 101, इन सारे नंबर्स को एक ही नंबर में मिला दिया जाए, लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. 112 कब से इंप्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात होगी. और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है रघुराम राजन, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, उनकी फटकार के बाद, निर्देश के बाद तीन बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट कम करने का फैसला कर लिया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी. इसका मतलब यह होगा कि जो होम लोन्स होते हैं, घर के लिए हम लोन लेते हैं, और बाकी और भी लोन्स, उनकी दरों में ईएमआई में थोड़ी सी गिरावट आने वाली है. अच्छी बात है. लेकिन एक बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जो इंसुलिन है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते. कैंसर की जो दवाइयां हैं और भी जो डायबिटीज की अलग अलग दवाइयां हैं वो करीब करीब 4% से महंगी हो चुकी हैं 1 अप्रैल से. जहां पर हिंदुस्तान जैसे देश में इन दवाइयों को सस्ता करने की जरूरत है, ये कैसी पॉलिसी है कि ये दवाइयां महंगी हो जाती हैं? इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से. वेंसडे का दिन है, आज होता है बिग विवाद. लेकर आने वाली हैं भावना सोमय आपसे थोड़ी देर में. 92.7 बिग एफएम पर ट्रैफिक अपडेट. 9:25 हो चुके हैं. 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे. और वेंसडे का दिन है, नोवीना का दिन होता है आज महिम चर्च में. तो महिम कॉजवे से अगर आप टूवर्ड्स दादर जा रहे हैं तो आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा. उसके अलावा सीप्स के टर्निंग पे अंधेरी ईस्ट में अगर आप वहां से एमआईडीसी की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे ट्रैफिक मिलेगा. और हनुमान नगर से अगर आप साकीनाका की तरफ जा रहे हैं तो वहां भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है. अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में अटके पड़े हो तो प्लीज मुझे कॉल करके बताएं. 3992797 यानी 3992797 मेरा नंबर है. 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे धाद के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिटते हिट रहेंगे. 9:33 हो चुके हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग.
वेंसडे का दिन है और आज होता है वेंसडे का बिग विवाद और ये विवाद बताने के लिए हमारे साथ आ जाती हैं भावना सोमाया जी. तो आ चुकी हैं भावना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अब से मराठी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में प्राइम स्लॉट में दिखाई जाएगी. क्या ये सही है? मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल मराठी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में दिखानी चाहिए, क्योंकि साउथ में, बंगाल में, सब जगह पे रीजनल फिल्म्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. प्राइम स्लॉट में दिखानी चाहिए यानी 6 से 9, मैं मानती हूँ ये सही नहीं है. कौन से समय पे कौन सी फिल्म दिखानी चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिबिटर का कॉल होना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई पर होना चाहिए. कौन सी फिल्म की ज्यादा डिमांड है, किसकी ज्यादा टिकट बिक रही है, उसके हिसाब से ज्यादा शोज दिए जाते हैं. इसमें दो बातें हैं भावना जी, आपने जो कहा वो एक तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ प्राइम स्लॉट दिलवाने से मराठी फिल्मों का बहुत ज्यादा भला होने वाला है ऐसी बात नहीं है. जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं विनोद तावड़े साहब, उनको ये भी सोचना चाहिए कि कैसे और मदद की जा सकती है. जैसे कोर्ट जैसी बेहतरीन मराठी फिल्म वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, उसके रिलीज में इतना टाइम क्यों लगा, उनके फंडिंग के लिए क्या किया जा रहा है, उनके टैक्स रिबेट के लिए क्या किया जा रहा है, इन सब बातों पर भी सोचने की जरूरत है. निश्चित ही इस मूव से मराठी फिल्मों का फायदा होगा और होना भी चाहिए, लेकिन अच्छा होता कि संस्कृति मंत्री इंडस्ट्री के लोगों से भी, इंडस्ट्री के एसोसिएशन से भी एक बार बात कर लेते और उसके बाद ये फैसला लेते. सिद्धार्थ के साथ सुन रहे गाने जो हिट थे हिट रहेंगे. 9:50 हो चुके हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग. संगीतकारों की बात ही कुछ और हुआ करती थी और आज अन्नु कपूर साहब भी एक ऐसे ही संगीतकार जोड़ी की बात करने वाले हैं कि कैसे शंकर जयकिशन साहब को राज कपूर साहब की फिल्म में काम करने का मौका मिला. पहली बार पूरी कहानी बताने वाले हैं और उसके बाद जो टीम बनी उसके बारे में हम सब जानते हैं. कल सुबह 7 बजे तक के लिए इजाजत, फिर से हाजिर हो जाऊंगा. आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ Siddharth मेरा ट्विटर हैंडल, जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि बातचीत पूरे दिन बदस्तूर चलती रहती है.